आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाई आर इंफ्रारेड रेडिएशंस रेफर टू एज हीट वेव्स। जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं उनको हम हीट वेव्स क्यों बोलते हैं। और नेक्स्ट में क्वेश्चन में पूछा गया कि नेम द रेडिएशंस विच आर नेक्स्ट टू दिस रेडिएशंस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसकी एक फर्स्ट पार्ट ने बोला है शॉर्टर वेवलेंथ, सेकेंड ने बोला लॉन्गर वेवलेंथ। मीन्स जो इंफ्रारेड रेडिएशंस के जो साइड में रेडिएशंस हैं, एक की शॉर्टर वेवलेंथ और एक की लॉन्गर वेवलेंथ, उस रेडिएशन का नाम बताना है हमें। तब हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, व्हाई आर इंफ्रारेड रेडिएशंस रेफर टू एज हीट वेव्स। तो जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है उनको हीट वेव्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज, क्योंकि जो हमारे इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं, अगर वो जब वो फॉल करते हैं किसी भी मटेरियल पे, फॉलिंग ऑन मटेरियल आर इजिली एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को जो प्रेजेंट होते हैं इनमें। इस वजह से क्या होता है, जो थर्मल मोशन होता है, मीन्स थर्मल मीन्स हीट, मोशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट इंक्रीजेस। इस वजह से क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीटअप हो जाते हैं। Therefore, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं उनको हम रेफर करते हैं एज हीट वेव्स। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा था कि हमें बताना है कि कौन सी रेडिएशन है जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ है और कौन सी है लॉन्गर वेवलेंथ एज कम्पेयर टू इंफ्रारेड रेडिएशंस के। तो शॉर्टर वेवलेंथ हमारी है विजिबल लाइट की, विजिबल लाइट, और लॉन्गर वेवलेंथ है माइक्रोवेव्स की। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।